डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन ऑन टीएलबी। ऑलरेडी गाइस, मैंने टीएलबी के ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि यार टीएलबी होती क्या है, कैसे वर्क करती है। इवन उनके अंदर भी मैंने एक दो एग्जांपल जो है वो एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो गेट का क्वेश्चन है। काफी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दो, थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो टफ लेवल का लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। अब मैं आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी वे से समझाऊंगा। अब इससे रिलेटेड जितने भी टीएलबी के क्वेश्चन होंगे आप समझ सकते हो कि कैसे सॉल्व होंगे। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया। अगर कर भी दिए तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, और उस स्टेटमेंट को पढ़ के पहले डायग्राम बना लिया करो, चाहे रफ भी बना लो लेकिन डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। कंसिडर अ पेजिंग सिस्टम यूजिंग वन लेवल पेज टेबल। तो पहली लाइन ये पता लग गई कि यार पेज टेबल जो है वो सिंगल लेवल पेज टेबल है। अगर टू लेवल भी दिया हो सकता है, थ्री लेवल भी दिया हो सकता है, यहाँ पे वन लेवल। और उसके अंदर जो मेरा पेज टेबल है वो मेन मेमोरी और टीएलबी, ठीक है जी। देन मेन मेमोरी एक्सेस टाइम दी है, टीएलबी लुकअप टेक्स दिस, ईच पेज ट्रांसफर टेक्स दिस टाइम टू एंड फ्रॉम डिस्क। मतलब अगर पेज फॉल्ट अकर होता है तो फिर हम क्या करते हैं, डिस्क से पेज को मंगाते हैं और फिर हम पेज को एक्सेस करते हैं। टीएलबी हिट रेशियो, ठीक है जी, पेज फॉल्ट रेट हमें बता रखा है। Assume that 20% of the total page fault, a dirty page has to be written back to the disk before required page is read. ये एक छोटा सा point extra दे रखा है। क्या कह रहा है कि अगर मुझे पेज को डिस्क से मेन मेमोरी में लेके आना है तो 20% केस ऐसे हैं जिसके अंदर डर्टी पेज को, मतलब ऑलरेडी मेन मेमोरी से किसी पेज को मुझे डिस्क में भेजना पड़ेगा और फिर पेज को मुझे जो है वो लोड करना पड़ेगा, मतलब खाली करना पड़ेगा स्पेस मेन मेमोरी के अंदर। और खाली कैसे करोगे, आप पेज को ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पेज है उसको वहां से भगाओगे बाहर कि जा तो डिस्क में, ताकि मैं डिस्क से किसी और पेज को लेके आ सकूं। तो वही आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो है वो वर्चुअल मेमोरी का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखो, डायग्राम सबसे पहले बनाना बहुत जरूरी है। तो मेरे पास सीपीयू है, सीपीयू सबसे पहले क्या करेगा, टीएलबी में लुकअप करेगा। तो टीएलबी में देखेगा, अगर टीएलबी के अंदर मुझे रेफरेंस मिल गया, मतलब हिट हो गया, तो हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी से उस पेज को उठा लेंगे। टीएलबी तो जस्ट रेफरेंस देगा, अगर हिट हो गया तो मैं मेन मेमोरी से उस पेज को निकाल लूंगा, ठीक है, कहानी यहां पे खत्म होगी। ये कब है, जब टीएलबी हिट होता है। अगर लेट्स से टीएलबी मिस हुआ, अगर क्या हुआ, टीएलबी मिस, मतलब मुझे टीएलबी से रेफरेंस नहीं मिला, तो फिर हम क्या करेंगे, हमें पेज टेबल दिया हुआ है एक लेवल का, सिंगल लेवल का पेज टेबल है, तो मैं क्या करूंगा, पेज टेबल में जाऊंगा सिंगल लेवल का। अगर मल्टी लेवल होता, टू लेवल होता, तो आप टू पेज टेबल बना लेते, सिंपल। यहां पे एक लेवल का है तो हम उस पेज टेबल में जाएंगे। अगर मुझे उस पेज टेबल से फिजिकल एड्रेस मिल गया कि मेन मेमोरी में वो यहां पे पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे हिट, कि मुझे पेज टेबल में मिल गया, टीएलबी में नहीं मिला लेकिन पेज टेबल में रेफरेंस मिल गया, तो मैं उस मेमोरी लोकेशन पे जाके पेज को उठा लूंगा। लेकिन एक इसमें वर्स्ट केस आ जाता है जी, मिस वाला, पेज टेबल में भी नहीं है, मतलब अगर पेज टेबल में उसका रेफरेंस नहीं मिला तो यानी वो मेन मेमोरी में है ही नहीं, इसको बोलते हैं हम पेज फॉल्ट। अगर पेज फॉल्ट होता है तो हम पेज फॉल्ट सर्विस टाइम यूज करते हैं। अब पेज फॉल्ट सर्विस ऑलरेडी बहुत बार बता रखा है, होता क्या है, हम डिस्क से, कहां से, डिस्क में से पेज को लेके आएंगे, जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी से हम डिस्क के अंदर से हम पेज को लेके आएंगे, इसको बोलते हैं पेज फॉल्ट। लेकिन यहां पे भी पेज फॉल्ट के दो केसेस है, वो दो केसेस कौन सी हैं? एक केस कह रहा है कि ठीक है, आपको पेज नहीं मिला, पेज फॉल्ट अक्कर हो गया, तो आप डिस्क में जाओ और डिस्क से उस पेज को उठा के मेन मेमोरी में डाल दो, आपको मिल जाएगा। लेकिन 20% केसेस इसमें और है, 20%, ये 80% केस में तो ठीक है, आप डिस्क से पेज को उठाओगे मिल जाएगा, लेकिन 20% केसेस इसमें क्या है, ऐसे है कि डिस्क से पेज आप उठाओगे भी तो मेन मेमोरी में डाल नहीं पाओगे, क्योंकि मेन मेमोरी भरी हुई है। तो यहां से किसी डर्टी पेज को, मतलब ऐसा पेज जो अपडेट हो चुका है, उसको हम यहां से निकाल के पहले डिस्क में भेजेंगे, फिर डिस्क से निकाल के हम नए पेज को यहां पे लेके आएंगे, ये केस जो है वो 20%। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको इस डायग्राम से क्लियर हो जाती है, आप सिर्फ वैल्यूज डालनी है। देखो, सबसे पहले टीएलबी हिट वाला, टीएलबी हिट रेशियो में दे रखी है,
95%। तो 0.95 मैंने यहाँ पे लिखी है, 90% का मतलब क्या है, obviously 0.95, तो 0.95। और इस केस में हम क्या करेंगे, पहले टीएलबी में देखेंगे, टीएलबी में देखने का टाइम है 20, और फिर वहां से हम सीधा मेन मेमोरी में जाके पेज को उठा लेंगे, बात खत्म। ये हो गया आपका टीएलबी का हिट। अगर टीएलबी में नहीं मिला, मतलब ये वाला मिस वाला केस, तो मिस केस कितना हो गया 0.05, ठीक है ना, 0.05, क्योंकि टीएलबी हिट कितना है 95, तो 0.05, ये ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट 0.5 लिख देते हैं गलती से, नहीं, 0.05 आपका मिस रेशो बनेगा टीएलबी का मिस। अब मिस होता है तो हम क्या करेंगे, पेज टेबल में जाएंगे, लेकिन पेज टेबल में जाने से पहले हमने टीएलबी में देखा तभी तो पता लगा कि यार टीएलबी में मिस हुआ, टीएलबी में हमने पहले देखा 20 नैनोसेकंड हमने लगाए तब पता लगा कि टीएलबी में नहीं है। फिर हम पेज टेबल में जाएंगे, पेज टेबल कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, मेन मेमोरी के अंदर, ऑलरेडी दिया हुआ, नाम भी दिया हुआ, आप मान के चलो पेज टेबल आपका मेन मेमोरी के अंदर ही होता है, यानी जितना मेन मेमोरी को एक्सेस करने का टाइम लगता है उतना ही पेज टेबल को, तो 100 मेरा पेज टेबल को एक्सेस करने का टाइम लगेगा। अब मुझे यहां पे मिल गया, मतलब यहां पे मेरा हिट हो गया, तो अगर यहां पे हिट हो गया तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा, 100 टाइम मेरा और लगेगा। तो ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये आपका कितनी बार हो रहा है, ये कितनी बार हो रहा है, ये हमें दे रखा है कि पेज फॉल्ट रेट कितना है 10%, पेज फॉल्ट रेट कितना है 10%। तो यानी पेज फॉल्ट तो तब होगा ना जब मुझे पेज टेबल में मिला ही नहीं, लेकिन यहाँ पे ये कौन सा केस है कि मैंने टीएलबी में देखा, टीएलबी में नहीं मिला तो मैं पेज टेबल में गया, वहां मुझे मिल गया उसका रेफरेंस, तो मैंने मेन मेमोरी से उठा लिया, यानी पेज फॉल्ट अक्कर नहीं हुआ। तो अगर पेज फॉल्ट रेट 10% है तो पेज फॉल्ट रेट उल्टा, मतलब पेज फॉल्ट नहीं अक्कर हो रहा, वो कितनी होगी 95%, तो यानी आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 90% से, तो ये आपकी जो है वो एक इक्वेशन ये बन गई। आप चाहे पहले मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है, तो 0.90% केस जो है वो ये वाला बन जाता है। लास्ट में हमारे पास फिर आ जाता है जी 0.10 वाला केस, 0.10 वाला केस। अब 0.10 वाला केस कौन सा है, अगर पेज फॉल्ट अक्कर होता है, अब पेज फॉल्ट अक्कर हो गया तो कितने 10%, तो यानी 0.10, या 0.1 भी लिख सकते हो। 0.10 में हमारे पास दो केसेस बनते हैं, एक डर्टी पेज वाला और एक विदाउट डर्टी पेज वाला, ठीक है, मतलब यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। अब 0.10 वाला केस क्या कहता है, अगर मैं विदाउट डर्टी पेज की बात करूं तो क्या होगा, सबसे पहले आप टीएलबी में ढूंढोगे, नहीं मिला, फिर उस केस के बाद आपके पास क्या होगा, टीएलबी में नहीं मिला, फिर आप पेज टेबल में जाओगे, वहां पे भी आपको नहीं मिला, तभी पता लगा ना कि यह डर्टी पेज है यहां पे। उसके बाद आप क्या करोगे, डिस्क से उस पेज को लाओगे, मेन मेमोरी में डालोगे। तो डिस्क से पेज को लाने का और मेन मेमोरी में डालने का जो टाइम है वो आपको यहां पे दे रखा है, दैट इज 5000 नैनोसेकंड, ईच पेज ट्रांसफर टेक्स 5000 नैनोसेकंड टू एंड फ्रॉम डिस्क। तो डिस्क से लाने का टाइम जो है वो कितना है 5000, तो 5000 टाइम आपका ये ऐड हो जाएगा। बट याद रखना ये 0.10 क्या था, पेज फॉल्ट। अब इस पेज फॉल्ट में कौन कौन से केसेस है, एक केस है विदाउट वाला, विदाउट डर्टी पेज वाला, ठीक है ना, विदाउट डर्टी पेज, और वो कितना है आपका, वो है 80%, वो कितना है 80%। तो रेस्ट क्या है, रेस्ट 20% कौन सा है, रेस्ट 20 के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डर्टी पेज को पहले मेन मेमोरी से निकाल के डिस्क में भेजना पड़ेगा, यहां से पहले वापस भेजो, फिर वहां से दूसरे पेज को लेके आओ। तो बस फर्क क्या पड़ा कि पहले आपने टीएलबी में ढूंढा, नहीं मिला, फिर आपने पेज टेबल में ढूंढा, नहीं मिला क्योंकि डर्टी पेज है, फिर आप डिस्क से लेके भी आओगे तो वहां पे वो कह रहा है कि 20% ऐसे केसेस है जगह नहीं है, तो यानी पहले मेन मेमोरी से डिस्क में बाहर भेजना पड़ेगा जिसमें अलग से 5000 एक्स्ट्रा लगेंगे, और फिर उसके बाद डिस्क से नए वाले पेज को मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा तो उसके अलग से 5000 लगेंगे। तो बस यही फर्क है इन दोनों केसेस में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है, ये ब्रैकेट आपकी यहां पे बंद हो जाती है और बड़ी ब्रैकेट यहां पे बंद हो, तो ये ब्रैकेट जो है ये याद रखना कि प्रॉपर वे से ये यहां पे हो गया, और इस 0.05 को पूरे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो है 0.10, ये आपका इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसको पूरे प्रॉपर ढंग से लिख लेना, ये आपका विद डर्टी पेज वाला केस बन गया। तो सारे के सारे केसेस जो है वो आपको प्रॉपर वे से समझा दिए हैं, इसको जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो ये 154 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ करके 155 नैनोसेकंड लिख सकते हो। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है वो इस तरीके से वर्क करती है आपकी टीएलबी की। थैंक यू।